वंदे मातरम। इस वीडियो में हम जितने भी यूनिट्स होते हैं, चाहे वो मास का यूनिट हो या फिर लेंथ का यूनिट हो या फिर कैपेसिटी का यूनिट हो, इसके यूनिट्स को आपस में कैसे बदलते हैं वो सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 100 से गुना करें कि 1000 से गुना करें कि 100 से डिवाइड करें, क्या करें, उनको समझ में नहीं आता है। और ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे यूनिट्स होता है, उसमें कैसे एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिएगा तो याद रखना पूरा एकदम पॉसिबल हो जाएगा। इस वीडियो में जितना भी चीज बताया जाएगा उसको बस ध्यान में रखिएगा और ट्रिक के साथ सब कुछ एकदम जानेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी कर लेंगे, आत्मा तृप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो हम लोग जितने भी चीज मापते हैं ना दुनिया में, हम लोग तीन चीज मापते हैं, क्या क्या? एक तो किसी का मास मापते हैं, या फिर कैपेसिटी मापते हैं, या फिर लेंथ मापते हैं। ठीक है, तो जो मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो ग्राम होता है, और जो कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर होता है, और जो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो देखिए, सबके ना मेन 7 यूनिट्स होते हैं, जैसे लेंथ का 7 यूनिट होता है, कैपेसिटी का भी 7 यूनिट होता है, और मास के भी 7 यूनिट्स होते हैं मेन। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखे हुए कौन कौन होता है, एक मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। जैसे मानिए कि हम ये मीटर के लिए लिखे हैं, तो ये मीटर के लिए बन जाएगा, तो सबके बाद में मीटर छुपा हुआ है, जैसे मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसी मीटर, फिर मीटर, फिर डेका मीटर, हेक्टो मीटर, किलोमीटर। ठीक है, अगर मानिए कि कैपेसिटी के लिए रहता तो यही बन जाता मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, फिर यहाँ पे आ जाता लीटर, फिर डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर। ठीक है ना, मेन यही यूनिट्स होता है। फिर बाद में जो है जिसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसको बाद में लगा दीजिए। जैसे अगर इसके लिए ग्राम में बनाना होता तो कैसे ट्रिक बनाते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर यहाँ पे आ जाता ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो हम यहाँ पे लेंथ का यूनिट्स लिख लिए हैं। लेंथ का यूनिट में हम एक दूसरे में बदलना सिखा देंगे, तो ये दोनों का भी सेम है। जैसे मानिए कि हमको किलोमीटर को हमको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा, तो उसी तरह किलोलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा, उसी तरह किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा। मतलब अगर आप लेंथ के पूरे यूनिट्स को एक दूसरे में बदलना सीख जाते हैं तो ये दोनों का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, वैसा ही करेंगे, सिंपल बट यूनिट्स लगा देंगे, और जो करेंगे जितना से 100 से गुना करेंगे उतना ही से गुना करना होगा, भाग करेंगे तो भाग करना होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, तो जैसे आपको यही मेन 7 यूनिट होते हैं, इसी में आपको एक दूसरे में बदलना होगा। मिली है, सेंटी है, डेसी है, मीटर है, डेका है, हेक्टो है, और किलो है। तो अच्छा, ये 7 यूनिट क्यों बनाया गया? तो देखिए, जैसे मानिए कि कुछ यहाँ पे कुछ चीज है, ठीक है ना, जैसे मानिए कि यहाँ पे एक डंडा है, जो कि हम बोल देंगे कि डंडा 1 मीटर का है, इस डंडा को हम दोगुना कर देंगे तो बोल दीजिएगा 2 मीटर का है। लेकिन अगर 1 मीटर से छोटा डंडा हो जाए तब उसको कितना बोलिएगा? तो उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए कि नहीं, कि हाँ भाई बोल सकते हैं कि भाई ये जो डंडा है ये 10 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, 90 सेंटीमीटर का है। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीज होती है उसका लंबाई तो सेम नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया कि मीटर से और 3 गो छोटा यूनिट होता है और मीटर से 3 गो और बड़ा यूनिट होता है। यानी जो मिलीमीटर देख रहे हैं सबसे लंबाई की सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद सेंटीमीटर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है डेसीमीटर, फिर उससे बड़ा है मीटर, फिर मीटर से बड़ा है डेकामीटर, फिर डेकामीटर से बड़ा है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा है किलोमीटर। इतना समझ गए? उसी तरह से आप इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, तो मिलीमीटर को शॉर्टकट में हम लोग एमएम लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिखेंगे, डेसीमीटर को डीएम लिखेंगे, मीटर को एम लिखेंगे, डेकामीटर को डीएम लिखेंगे। इसको डीएम मत लिख दीजिएगा, क्योंकि डीएम मतलब डेसीमीटर, इसका क्या लिखेंगे? डीएम। हेक्टोमीटर को एचएम लिखेंगे और किलोमीटर को केएम लिखेंगे। इतना समझ गए? अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, तो सिंपल हम क्या किए हैं, सबके आगे 10 10 10 लगा दिए हैं। सबके आगे क्या लगा दिए? 10 10 10। आपको सिंपल अब ये याद रख लेना है, एकदम सीरियल वाइज याद रखना है, ऐसे एकदम कबड्डी कबड्डी जो खेलते हैं ना, तो कबड्डी कबड्डी नहीं खेलना है, बोलना है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ये अब खेल में बोलना है, क्या बोलना है? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अब इसको खेल खेल में याद कर लीजिएगा ट्रिक, जब आपको ये सीरियल वाइज याद हो जाएगा तब आप इसके राजा हो गए, कन्वर्जन क्या हो गया, राजा हो गए। देखिए कैसे, तो याद कर लीजिएगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अब आपको करना क्या है कि अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको गुना करना होगा, और अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग करना होगा। सबसे पहले इसको याद रखिए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? गुना करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसको भी हमें याद करवा देते हैं कि कैसे है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके प्यार में, ये देखिए, हमको जानना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे है और मीटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो किलोमीटर से हमको मीटर में बदला, यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो गुना करेंगे,
क्या बताएं, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम गुना करेंगे। अब कितना से गुना करेंगे, तो इसके 10 को तोप लीजिए और मीटर तक के 10 को गुना कर दीजिए, 10 10 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया 1000 मीटर। समझ में आया ना, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, किलोमीटर से हमको बदलना है डेसीमीटर में, तो किलोमीटर यहां पे है और डेसीमीटर यहां पे है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, तो इसके 10 को तोप लीजिए और यहां तक के 10 को गुना कर लीजिए, तो कै को 10 है 1 2 3 4, 4 को 10 है तो कितना हो जाएगा 10000, 10 10 10 10, 4 को 10 को गुना कीजिए कितना आ जाएगा 10000, तो 10000 डेसीमीटर हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर 10000 डेसीमीटर। क्लियर है। अगला देखिए, जैसे हमको बताना है हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में, तो हेक्टोमीटर यहां पे है और सेंटीमीटर यहां पे है, तो देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से, तो इसके 10 को तोप लीजिए और यहां तक के 10 को गुना कर दीजिए, तो 4 को 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10000, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10000 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो जब हमको एक का सबका पता चल गया, जैसे 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो जब हमको एक का पता चल गया तो फिर जितना का और पूछेगा एक से ज्यादा, तो सिंपल अब उतना में गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो हमको पता है ना कि भाई 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है 10000 सेंटीमीटर, हम 1 हेक्टोमीटर का तो जानते हैं, तो 5 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर का निकालेंगे क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, 5 से 10000 में गुना कर देंगे, 5 गुना 10000 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 50000 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, तो एक का पता चल गया तो फिर जितने के निकालने सिंपल हम लोग गुना कर देंगे। तो ये चीज क्लियर है, बस आपको इसको याद रखना है, और 10 10 10 ये तो याद हो ही गया, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं और ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे, इसको याद रखिएगा, भाग वाला ही बनवाते हैं। और गुना कैसे करेंगे, तो एक को तोप देंगे और जहां तक है उसके 10 को हम लोग गुना कर देते हैं। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है ये बताना है, तो बताइए सेंटीमीटर यहां पे है और मीटर कहां है, मीटर यहां पे है, तो बताइए ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो जब भी आप ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा 1/, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या लिख देना है 1/, अब कितना से भाग करेंगे, तो फिर वैसे ही कीजिए, इसके 10 को तोप दीजिए और यहां तक 10 को गुना कर दीजिए, तो 10 और 10 को गुना कीजिए कितना आ जाएगा 100, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। 1/100 का क्या मतलब, 0.01 मीटर। आपको बता दें कि अगर आप मेरा डेसिमल का वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाक से सारा देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, एकदम डिटेल वे में वीडियो बनाया गया है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 0.01 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मीटर से हमको बदलना है किलोमीटर में, तो देखिये मीटर यहां पे है और किलोमीटर यहां पे है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लिख देना है 1/1/, अब कितना से भाग करेंगे, तो सिंपल इसके 10 को तोप लीजिए और यहां तक के 10 को गुना कर दीजिए, तो 3 को 10 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1000, यानी 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला हमको डेसीमीटर से बदलना है डेकामीटर में, तो डेसीमीटर बताइए कहां है, डेसीमीटर यहां पे है, डेसीमीटर यहां है और डेकामीटर यहां है, तो हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है 1/, अब कितना से भाग करेंगे, तो इसके 10 को तोप दीजिए और इस दोनों 10 को गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 100, यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 1/100 डेकामीटर। ठीक है ना। अगला 7 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो हमको पता है ना कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, मीटर यहां पे है, किलोमीटर यहां पे है, नीचे आ रहे हैं तो 1/ कर देंगे और कितना से गुना कर देंगे, इसके 10 को तोप के इस दिन को गुना कर देंगे तो 1000, तो हमको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर, तो 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसमें 7 से गुना कर देंगे, 7 से आप गुना कर दीजिए या फिर 1000 से सिंपल डिवाइड कर दीजिए, तो 7/1000 हो जाएगा, 7/1000, तो 7/1000 का क्या मतलब 0.007 किलोमीटर, यानी 7 मीटर बराबर होता है 0.007 किलोमीटर। इतना क्लियर है ना। अब उसी तरह से कैपेसिटी का बना सकते हैं, जैसे यहां पे बताइए 5 हेक्टोलीटर बराबर कितना सेंटीलीटर, 50000 सेंटीलीटर, यहां पूछेंगे कि 7 लीटर बराबर कितना किलोलीटर, तो 7 लीटर बराबर कितना किलोलीटर, तो 0.07 किलोलीटर। समझ में आ रहा है ना, बस आप उसके यूनिट्स यहां पे चिपका दीजिए, वही हो गया। तो सिंपल था, इसका भी दोनों का सेम है, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस दोनों का क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप सबसे पहले उठाइएगा मिलीमीटर, सबसे पहले आप क्या उठाइएगा मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर लिखिएगा और उसको सब में बदलिएगा, उसको सेंटीमीटर में बदलिएगा, डेसीमीटर में बदलिएगा, मीटर में भी बदलिए, डेकामीटर में भी, एचएम में भी बदलिए और केएम में भी बदलिए। तो ए वो यूनिट को उठाइए और सारा में बदलिए, फिर उसी तरह सेंटीमीटर को उठाइए फिर सारा में बदलिए, फिर उस तरह डेसीमीटर को उठाइए सारा में बदलिए, तो ऐसे एक दूसरे से सारा में बदलिए तब 42 होगा। ठीक है ना। तो लेंथ वाला
सब निकाल लीजिएगा। फिर उसी तरह क्या कीजिए, फिर कैपेसिटी पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर। तो उसी तरह फिर क्या कीजिए, एक मिली लीटर में को क्या कीजिए, सब यूनिट में बदलिए, सेंटीलीटर में बदलिए, डेसीलीटर में बदलिए, फिर लीटर में बदलिए, फिर डेकालीटर में बदलिए। इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा चीज क्लियर होने वाला है और बहुत डाउट क्लियर होने वाला है। प्लीज इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, कहिएगा कि हाँ सही बोले थे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कितने सेंटीमीटर से एक किलोमीटर बनता है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बता दीजिए ना एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। पूछने के लिए दूसरा स्टाइल है, कितने सेंटीमीटर से एक किलोमीटर बनते हैं ना, तो एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है ये बताना है। किलोमीटर यहाँ पे है और सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, गुना करेंगे कितना से, तो इसके दस को तोप लीजिए और यहां तक के दस को गुना कर दीजिए, तो एक दो तीन चार पांच, दस को पांच बार गुना कर देंगे तो एक और पांच को जीरो, यानी कितना हो जाएगा एक लाख, यानी एक किलोमीटर बराबर कितना होता है एक लाख सेंटीमीटर। समझ में आया ना? ओके, अगला क्वेश्चन है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 20,000 गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्राम तथा किलोग्राम में कितना होगा। ये बोल रहा है कि एक बक्सा है जिसमें टोटल कितना गोली है, 20,000 गोली है, और जिनमें प्रत्येक का भार है 20 मिलीग्राम। तो सबसे पहले टोटल भार निकाल लीजिए, तो प्रत्येक का भार यानी एक गोली का भार कितना है 20 मिलीग्राम, तो 20,000 गोली का भार कितना हो जाएगा, 20,000 गोली का भार कितना हो जाएगा, तो 20,000 लिखेंगे और गुणा किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे, 20 मिलीग्राम है और ये कितना हो गया टोटल, इतना मिलीग्राम हो गया। सिंपल गुना कर दीजिए, दो दूनी चार, एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना, कितना हो गया 400,000 मिलीग्राम हो गया। तो ये हम टोटल गोलिये का भार निकाल दिए मिलीग्राम में। अब बोल रहा है कि आप इसका कुल भार जो है ना ग्राम तथा किलोग्राम में बताइए, तो अब बताइए कितना मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिलीग्राम यहाँ पे है और ग्राम यहाँ पे है, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे भाग करेंगे कितना से, तो इसके दस को तोप दीजिए और एक दो तीन, तीन को दस को गुना कर दीजिए तो 1,000 हो जाएगा। तो यानी मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के क्या करते हैं 1,000 से डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1/1,000 से गुना करते हैं, वही बात होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ग्राम में बदल देंगे, तो क्या करेंगे 1,000 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 1,000 से डिवाइड करेंगे तो किस में बदल जाएगा ग्राम में, तो फिर तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 400 ग्राम। तो ग्राम में बता दिए कितना हो गया 400 ग्राम, और फिर बोला कि केजी में बताइए कितना होगा, तो सिंपल अब इस ग्राम को आप केजी में बदल दीजिए, तो 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम को केजी में बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे ग्राम यहाँ पे है, केजी यहाँ पे है, तो नीचे आ रहे हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे, इसके 10 को छोड़ करके इस 3 को गुना कर दीजिए 1,000 आएगा। यानी ग्राम को केजी में बदलने क्या करते हैं 1,000 से भाग कर देंगे, तो 1,000 से भाग कर दीजिए, अभी ग्राम है तो किस में बदल जाएगा केजी में। अब दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और कितना आ गया 0.4 केजी। तो यही क्वेश्चन बोला था कि टोटल भार बताइए ग्राम और किलोग्राम में, तो टोटल भार हो जाएगा 400 ग्राम और किलोग्राम बताना चाहते हैं 0.4 किलोग्राम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 9 लीटर 600 मिलीलीटर पानी है, 30 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। मतलब मेरे पास टोटल पानी है 9 लीटर 600 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर का कितना गिलास में इस टोटल पानी को हम भर देंगे वो आपको बताना है। तो बताइए, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल पहले क्या कीजिए, 9 लीटर है और यहाँ पे 600 मिलीलीटर है, तो टोटल बताइए कितना मिलीलीटर होगा। यहाँ पे क्या है 9 लीटर है और 600 मिलीलीटर है, तो सिंपल क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदल देंगे, क्योंकि हमको 30 क्या है मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर वाले से तो मिलीलीटर वाले में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो इसको लीटर को क्या करेंगे मिलीलीटर में बदल देंगे। तो यहाँ पे 9 लीटर है, तो बताइए लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए लीटर यहाँ पे है, मिलीलीटर यहाँ पे है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे गुना करेंगे कितना से, तो इसके 10 को तोप देंगे और इस 3 और 10 को गुना कर देंगे तो 1,000। यानी लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे क्या करेंगे 1,000 से गुना, तो 9 गुना 1,000 और यहाँ पे 600 मिलीलीटर है, तो अब 600 इसमें जोड़ देंगे 600, ये टोटल कितना हो गया मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 9,600 मिलीलीटर। यानी टोटल हमारे पास कितना पानी है 9,600 मिलीलीटर, तो 30 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, तो सिंपल क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। तो अब इससे जब 30 मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 3 9, 3 2 6 और 0 का 0, यानी इसे 320 को गिलास में भरा जा सकता है।
इतने टोटल पानी को अगर 30 मिलीलीटर वाला गिलास है, कैपेसिटी वाला 30 मिलीलीटर वाला, तो 320 को गिलास लाइएगा तो 20 टोटल पानी को भरा जा सकता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस को सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 79 मीटर 65 सेंटीमीटर कपड़े में से कितनी कमीजे की सिलाई की जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है। क्या है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कीजिए, आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो बताइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, और यहां पे 15 है तो इस 15 को इसमें जोड़ दीजिए, तो इतना टोटल हो गया सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। इसको हम क्या की, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, यानी हमारे पास टोटल सेंटीमीटर कितना हो गया, 215। और फिर आगे है, इतना है 79 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो 79 मीटर 65 सेंटीमीटर है, तो इसको भी क्या कीजिए, सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो यहां पे इस मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 सौ, फिर प्लस इसमें 65 को जोड़ देंगे, इतना हो गया टोटल सेंटीमीटर, इसमें जोड़ दीजिए तो 7965 सेंटीमीटर, यानी इतना टोटल हो गया सेंटीमीटर, और इसको भी हम बदल दिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो अब डिवाइड लगा दीजिए, तो डिवाइड लगा दीजिएगा तो वही जो कोसेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा, कि हाँ भाई इतना कमी सिलाया जा सकता है और जितना रिमाइंडर बच जाएगा उतना कपड़ा बच जाएगा। तो यहां पे भाग दीजिए, किसमें भाग देंगे, 215 है तो 215 सेंटीमीटर है, और यहां पे क्या है, 7965, 7965 सेंटीमीटर। अब डिवाइड कीजिए तो कितने बार में देंगे, 3 बार में, 15 3 45, 3 2 6, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, और 7 में 6 गया 1, उतार देंगे 5, 2 7 बार में, 7 5 35, 3 7 1 7 3 10 0 1, 7 2 14 1 15, 5 5 गया 0 1 कट गया, यानी कितना आ गया, यानी टोटल हमारे पास कितनी कमीज सिला जा सकती है, 37, यानी 37 शर्ट हम लोग सिला सकते हैं, और बस टोटल कपड़ा कितना बच जाएगा, 10 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ पे एक कपड़ा सीने के लिए इतना कपड़ा की जरूरत है, एक शर्ट सीने के लिए, तो एक शर्ट सीने के लिए इतना जरूरत है, टोटल हमारे पास इतना कपड़ा है, तो यहाँ पे 37 है, इसका मतलब हम 37 को शर्ट सिला सकते हैं, और कितना कपड़ा बच जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, एक धागे की लंबाई 10 मीटर 5 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इसे 9 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, तो ये भी डिवाइड है, ये भी क्या है, डिवाइड है, तो 9 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में ना, तो इस सब को क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में बदल देंगे, सबको क्या करेंगे, क्या क्या है, 10 मीटर है, 5 डेसीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर यहां पे है, सेंटीमीटर यहां है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने क्या करेंगे, 100 से गुना, तो ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 100, या फिर सिंपल डायरेक्ट कर देते हैं, 10 गुना 100 मतलब क्या, 1000, तो 1000 हो गया, फिर प्लस, फिर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो डेसीमीटर यहां है, सेंटीमीटर यहां है, तो क्या करेंगे, 10 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 50 सेंटीमीटर, और ये तो सेंटीमीटर में है ही, यानी टोटल इतना सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 1053 सेंटीमीटर, मेरे पास टोटल इतना सेंटीमीटर आ गया। अब हो रहा है 9 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है इस धागे की लंबाई को, तो सिंपल 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 1 5 9 एकम 9 कितना हो जाएगा, 6 9 7 63 117, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, 117 टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए और देख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या बातें नहीं समझ में आई उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।